आकाश सिंह 2.5 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं। 100% आकाश बाबू एमपी हो चुके हैं। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दा पर मतदान हम लोग करेंगे। 4 लाख वोट से जीतेंगे। बीजेपी वाले 4 लाख से नीचे जाएंगे, हारेंगे। हाँ, कहीं कोई टक्कर में ही नहीं है तो ये सोचना ही बेमानी है। आज का जो पूरे देश भर का जो हालात है उसमें इंडिया गठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, उससे बहुत आगे। जो 400 पार आएगा, 150 का नीचे, और सरकार कांग्रेस का बनने जा रही है, ये तय है। महाराजगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह ने अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है, और इस वक्त अब चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो समर्थक हैं उनके वो जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ, 5 लाख वोटों से जीतेंगे आकाश सिंह जी। हाँ, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा मेन रहेगा। बेरोजगारी का मोदी ने बहुत झूठा वादा करके एक भी पूरा नहीं किया है। यहाँ पर आप बताइए। मैं युवा हूँ, मैं इंडिया अलायंस को इसलिए जिताना चाहता हूँ ताकि पहले ही सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियाँ दी जाए, चाहे युवा का भविष्य हो सके। बेरोजगारी से देश का हालत खराब है और महंगाई से। आकाश सिंह 2.5 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं। आप बताइए, आकाश सिंह 100% आकाश बाबू एमपी हो चुके हैं। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दा पर मतदान हम लोग करेंगे। ना मोदी गारंटी फेल है, तेजस्वी यादव का गारंटी पास है। आकाश कुमार 2.5 लाख से ऊपर वोट जीतेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थक हैं वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आकाश सिंह जीतेंगे इस बार? जी जी, बहुत बहुत बड़ा बहुमत से जीतेंगे आकाश। भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, 1.5-2 लाख से जीतेंगे। कितने वोट से जीतेंगे? 4 लाख वोट से जीतेंगे। और बीजेपी वाले 4 लाख से नीचे जाएंगे, हारेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं 400 पार। 400 उनका 200 पार नहीं करेगा। हाँ, वो भूल जाए पिछले बार की। हाँ, किधर वोट कर रहे हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से। किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा कर रहे हैं हमारी पार्टी जीतेगी। पार्टी जीतेगी कितने वोट से? बहुत वोट से। हाँ, बहुत वोट से। तो यहाँ पर जो है वो आकाश सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? कितना उम्मीद है जीतने का इस बार? कहीं कोई टक्कर में ही नहीं है तो ये सोचना ही बेमानी है। आज का जो पूरे देश भर का जो हालात है उसमें इंडिया गठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, उससे बहुत आगे है। भाजपा वाले यहाँ लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जमानत जब्त करा देंगे। वो आने वाला वक्त बताएगा कि जमानत किसका जब्त होता है, बीजेपी का जब्त होता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आकाश सिंह जी का जब्त होता है। हाँ, आप बताइए कैसे चुनाव लड़िएगा आप लोग बीजेपी से? 400 पार का नारा है। 150 आ जाएगा तो उसके बाद बात कीजिएगा। इतना महंगाई चरम सीमा पर, बेकारी, बेरोजगारी, हर चीज से हम लोग ढूंढ रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि 400 पार आएगा, 150 का नीचे, और सरकार कांग्रेस का बनने जा रही है, ये तय है। दिल्ली में एकदम तय है। अरे मोदी जी, हम लोगों को इतना मजबूर कर दिए हैं कि हम लोगों को उधार, मैंने कहा बकाया दे रहे हैं, 4 किलो दे रहे हैं अनाज। 4 किलो अनाज से हम लोग जितना बिकार, हमारे नौजवान हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हो रहे हैं, उससे कोई दूसरी सरकार नहीं की है। और मोदी जी केवल एक और एजेंडा हटा दें, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हटा दे, तो अगर 400 पार कर रहे हैं 100 पार नहीं हो पाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, एजेंडा उनके पास है, लेकिन ये एजेंडा चलने वाला नहीं है। लोग समझ चुका है कि मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई हैं, इसलिए ये एजेंडा समझ चुका है उनका। 400 पार होने वाला नहीं है। 200 से आप किधर वोट कर रहे? किस मुद्दा पर कर रहे हैं? मोदी को हटाना है क्योंकि झंडा उपाने। अरे यार, गठबंधन है। अच्छा, गठबंधन है, राजद के लोग है मजबूत? बिल्कुल, बहुत बहुत मोदी हवा में है। अच्छा, बिल्कुल। स्टूडेंट को तो साफ खा गया वो। अब बेरोजगारी इतना ने कर दिया है ना, बहुत महंगाई हो गई यार। महाराजगंज में कौन जीतेगा? हम छपरा से हैं। आप छपरा से? तो महाराजगंज में जो है वो कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस के ओर से आकाश प्रसाद सिंह है, जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। और उनके समर्थकों को आप सुन रहे थे, हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लाखों लाख वोट से महाराजगंज जीतेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।